नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख है 18 फरवरी 2021 और आज आपकी क्लास जो करंट अफेयर्स की वादा किया गया था कि आज से आपकी क्लास सुबह के 7 बजे लगेगी, तो अब हर दिन सुबह 7 बजे आपकी क्लास आएगी। तो सभी बच्चे, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग अपने कॉपी पेन को लेकर बैठ जाएंगे और मानचित्र को अपने साथ जरूर रखिए। आशा करता हूं आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है और हम लोग की शुरुआत सबसे पहले करंट अफेयर से ही रोज की तरह अब होगी, जो कि सुबह 7 बजे होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चंस को चेक करेंगे, हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा है, हाल ही में किस देश ने टेरा फुगिया ट्रांसिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बनाई गई है जो कि टेरा फुगिया ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार और झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो आपको इनके बारे में बताना है जो कि आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारतीय टेलीविजन एकेडमी जो शुरू किया गया था, ये सन 2001 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहेंगे, सुबह का समय है आपके पास, पूरे दिन का बहुत टाइम मिलेगा दोस्तों आप लोगों को क्लासेस पढ़ने का, और जितनी जल्दी जल्दी क्लासेस आपकी होंगी उतना ही ज्यादा आपका ग्रुप डी में आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस घाटी में कंचौथ तो त्योहार मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फरवरी और मार्च का महीना साल में स्टेट फेस्टिवल्स के लिए बहुत फेमस होता है, जैसे कि अभी कुछ त्योहार मनाए गए थे वैसे ही आपको कंचौथ त्योहार के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने चेरिश 2021 फंड रेजिंग अभियान शुरू किया है, तो ये फंड रेजिंग अभियान किसी IIT की संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कैंट बोर्ड को ऑनलाइन लोक सेवाओं के लिए एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। तो यहां पर ई छावनी पोर्टल को ही बनाया गया है जो कि सैन्य आपके जो बोर्ड होते हैं, आपके जो कैंटोनमेंट होते हैं उनके लिए। हाल ही में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर आगे निकल गया है, जिसका खतरा अमेरिका को अभी तक था वही हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी हासिल की है, उसका नाम क्या है, तो यहां पर दोस्तों आपका पनडुब्बी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में भारत पाक युद्ध के किस सेवानिवृत्त मेजर जनरल का निधन हो गया है, जो कि अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में मेजर जनरल के रूप में तैनात थे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी हासिल की है, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन हैं और इन 10 क्वेश्चन को आप लोगों सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर आएंगे। सभी लोग लगातार क्लासेस को शेयर करेंगे, शेयर करने का काम आप लोगों का है और बाकी हम पढ़ने का काम भी आप ही लोगों का, पढ़ाने का मेरा। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, पहले हम इसके आंसर के बारे में जानेंगे फिर हम इसकी थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो हाल ही में किस देश ने टेरा फुगिया ट्रांसिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो टेरा फुगिया ट्रांसिशन की बात की जा रही है, मैं आपको बता दूं हाल ही में अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो टेरा फुगिया ट्रांसिशन है, ये टेरा फुगिया एक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी सन 2006 में। सन 2006 में जब टेरा फुगिया स्थापित की गई आपकी USA में, तो इनका उद्देश्य था दुनिया की पहली उड़ने वाली कार का निर्माण करना। तो इस तरीके से ये कार जो बनी 2006 में बननी शुरू हुई थी दोस्तों, और 2009 में ये बनके तैयार हो गई थी, लेकिन इसकी टेस्टिंग चल रही थी। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो टेरा फुगिया ट्रांसिशन है, इसका गठन सन 2006 में ये गठित हुई थी कंपनी, और ये गठित हुई थी USA में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सन 2006 में इन लोगों ने हाइब्रिड एयर व्हीकल बनाने की क्या की थी, कोशिश की थी। तो हाइब्रिड
हाइब्रिड एयर व्हीकल बनाने की कोशिश की गई थी। ये कोशिश पहली बार सफल हुई दोस्तों कब, 2009 में, ठीक है, 2009 में इसकी फर्स्ट टेस्टिंग की गई थी, पहली टेस्टिंग इसकी 2009 में की गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जब ये एयर व्हीकल चलाने की बात हुई थी तो ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड को कंट्रोल किया गया है और अभी हाल ही में 2021 में, 2021 फरवरी 2021 में जो अमेरिका का, दोस्तों अमेरिका का जो परिवहन विभाग है, उस परिवहन विभाग के अधीन एक विभाग आता है, उसका नाम है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, इस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, इन्होंने अनुमति दे दी है कि इस कार को क्या किया जाए, इस कार को मार्केट में लाया जाए। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनुमति दे दी है, लेकिन अभी इसकी स्पीड जो है दोस्तों, इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी शुरुआती स्पीड जो इस कार की थी वो थी 185 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी स्पीड जो रहेगी वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चूंकि एयर व्हीकल है तो इस एयर व्हीकल को चलाने के लिए कोई आम ड्राइवर या आम इंसान इसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक ऑफिशियल पायलट रखना पड़ेगा, या फिर आपको जो एयर से संबंधित, एविएशन से संबंधित जो स्कूल होते हैं, उस स्कूल के जो ट्रेनर्स हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेरा फुगिया उस कंपनी का नाम है जो 2006 में स्थापित हुई थी, 2006 में आपके यूएसए में। इसी टेरा फुगिया ने दुनिया की पहली हाइब्रिड एयर व्हीकल बनाया है, जो कि 2009 में बन गया था, लेकिन अभी इसको पूर्ण रूप से अनुमति दी गई है, ठीक है। 2021 में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अनुमति दी है और ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन की बात करेंगे तो यहां पर एक्सेप्शन में आपके पायलट ही इसको क्या कर सकते हैं, या तो पायलट या फिर एविएशन स्कूल के जो ट्रेनर्स होते हैं वही इसको उड़ान भर सकते हैं, और कोई इसके बारे में यूज इसको नहीं कर सकता, ठीक है। तो आम इंसान के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको मार्केट में लॉन्च करने की अनुमति दे दी है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका टेरा फुगिया ट्रांसिशन, जो दुनिया की पहली एयर व्हीकल कार के रूप में स्थापित हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे और हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे, सभी लोग हम लोग का साथ देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मेरा बहुत बड़ा एक ड्रीम है, जिसकी वजह से मैं इसको सुबह 7 बजे इतनी मेहनत करके ला रहा हूँ, इसको रात भर यहीं रुक रहा हूँ और फिर मैं तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस क्लासेस को खूब शेयर करेंगे और खूब सारे बच्चे इसको पढ़ने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में बिहार और झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसका निधन हुआ है, एम राम जोईस जी है। ध्यान रखिएगा, ये आपके पूर्व झारखंड और बिहार के क्या रह चुके हैं, आपके राज्यपाल रह चुके हैं, जिनका निधन 15 फरवरी 2021 को 88 वर्ष की आयु में हुआ। तो इनका निधन हुआ दोस्तों, ये क्यों फेमस है इनके बारे में जान लीजिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी थे ये, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रह, वो पंजाब और हरियाणा के ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये न्यायिक क्षेत्र से रिलेटेड थे, जुडिशियल क्षेत्रों से क्या थे, रिलेटेड थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और मैं आपको बता दूं, ये पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, क्योंकि आपको पता है होना चाहिए, जो पंजाब हरियाणा का जो हाईकोर्ट है वो चंडीगढ़ में बना है और चंडीगढ़ खुद में यूनियन टेरिटरी भी है। तो ये पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, समझ में आया दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से ये जो आपके जोईस जी हैं, ये न्यायिक क्षेत्र से रिलेटेड थे और ये बिहार और झारखंड के क्या रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल के पद पे भी रह चुके हैं, ठीक है। तो 88 वर्ष की आयु में इनका अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों, एम राम जोईस जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है। अगर दोस्तों हम लोग पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के चीफ जस्टिस कौन है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में जो यहाँ के पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के जो चीफ जस्टिस अभी एट प्रेजेंट है कौन है दोस्तों, तो अभी है रविशंकर झा। ध्यान रखिएगा, रविशंकर झा
अभी हाल ही में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के क्या है, चीफ जस्टिस है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कई सारे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके चीफ जस्टिस अभी हाल ही में चेंज हुए, तो ध्यान रखिएगा। अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था मणिपुर के नए चीफ जस्टिस बने हैं, कौन है दोस्तों, आपके वेंकट संजय कुमार। ध्यान रखिएगा, वेंकट संजय कुमार अभी हाल ही में क्या बने हैं, हाल ही में मणिपुर के इम्फाल के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, इसको ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करेंगे दोस्तों, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में केवल चार ही हाईकोर्ट है, एक आपका असम गुवाहाटी में है, एक आपका मणिपुर में है, दूसरा त्रिपुरा में है और तीसरा मेघालय, चौथा मेघालय में है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीजें एग्जाम में आती है। जैसे कि आप ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है वो कौन है, वो अकिल अब्दुल हमीद जी है। ठीक है, उसके बाद आपके मेघालय के विश्वनाथ है, ठीक है, मेघालय के कौन है, विश्वनाथ जी है, और आपके गुवाहाटी के जो है वो आपके सुधांशु धूलिया है। ठीक है, गुवाहाटी के कौन है दोस्तों, सुधांशु धूलिया है। तो इनके बारे में ध्यान रखा करिए, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाया करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों, ये जो भारतीय टेलीविजन एकेडमी है या इंडियन टेलीविजन जो एकेडमी है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये पुरस्कार तो अभी हाल ही में जो हॉल ऑफ फेम का जो पुरस्कार दिया गया है, वो एक बहुत अच्छी लेखक है हमारे इंडियन बॉलीवुड में, और इवन उपन्यासकार भी है ये, तो ध्यान रखिएगा, एकता कपूर जी को क्या दिया गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार एकता कपूर को प्राप्त प्रदान किया गया है। उसके बाद इंडियन टेलीविजन एकेडमी की बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, 2001 में, सन 2001 में इसका गठन हुआ था इंडियन टेलीविजन एकेडमी का। जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जो हमारा जो आपका टेलीविजन का जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आपका बॉलीवुड का जो सर्टिफिकेशन बनाया गया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वो बोर्ड है जो कि मूवीज को आगे सर्टिफाई करता है कि मूवी लॉन्च हो या ना हो। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन टेलीविजन एकेडमी के अधीन आने वाला आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष होना प्रसून जोशी है, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सन 2001 में इंडियन टेलीविजन एकेडमी का क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था, और तब से लेकर हर साल इंडियन एकेडमी टेलीविजन एकेडमी के पुरस्कारों का गठन किया जाता है और दिया जाता है। तो इसी में हॉल ऑफ फेम इस बार 20th जो इंडियन टेलीविजन एकेडमी जो आयोजित हुआ था, उसमें हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है, एकता कपूर जी को क्या किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम लोग एकता कपूर की बात करते हैं, तो एकता कपूर जिनका जन्म 1975 में मुंबई क्षेत्र में हुआ था, एकता कपूर 1975 में मुंबई क्षेत्र में जन्मी, और ये भारत में एक अच्छी बॉलीवुड की निर्माता निर्देशक भी है, और ये मतलब आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसिंग भी करती है, और इवन इन्होंने एक्टिंग भी की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके टेलीविजन बॉलीवुड के लिए बहुत सारे कंटेंट इन्होंने दिए हैं और इनके बारे में बहुत चीजें फेमस है। जैसे इन्होंने 2017 में इन्होंने ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया था। ठीक है, 2017 में ऑल्ट बालाजी को इन्होंने लॉन्च किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज आप जानते भी होंगे लेकिन आपको इनका ईयर नहीं पता होगा। तो सन 2017 में इन्होंने ऑल्ट बालाजी को लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सन 2020 में, इसी वर्ष के जस्ट पहले 2020 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था। ठीक है, तो पद्मश्री से ये नवाजी जा चुकी है। तो ये है दोस्तों एकता कपूर, जो कि आपके टेलीविजन और बॉलीवुड के लिए बहुत सारे आपके छोटे पर्दे की नाटकों के लिए भी इन्होंने काम किए हैं, और एकता कपूर जी को अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस घाटी में कंचोत त्योहार मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंचोत त्योहार की बात करें तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। जम्मू कश्मीर में जो नागा कल्चर है, जो नाग जनजाति है, नाग जो कल्चर है, नाग प्रजाति के लोगों के या नाग समुदाय के लोगों का जो कल्चर है, उस कल्चर को शो करने के लिए हर साल कंचोत त्योहार मनाया जाता है, और यह दोस्तों मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी के क्षेत्र में।
चिनाब नदी वैसे तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर साइड भी जाती है, जो कि कटरा की साइड में आती है, यानी कि वैष्णो देवी साइड में जाती है। उस इलाके में जो त्योहार मनाया जाता है, तो किस घाटी के क्षेत्र में है दोस्तों? चेनाब घाटी के क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कंचोत त्योहार की, तो ध्यान रखिएगा ये किस संस्कृति से रिलेटेड है? ये नाग कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। नाग कल्चर से संबंधित ये जो कंचोत त्योहार है, ये चेनाब घाटी के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो हर साल आयोजित किया जाने वाला ये चेनाब घाटी में आयोजित होने वाला नाग कल्चर का त्योहार, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कंचोत त्योहार कहते हैं, ठीक है। सभी क्लियर है कि नहीं है? अब इनकी दोस्तों मान्यता क्या है, तो ध्यान रखिएगा मान्यता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये लोग ऐसा मानते हैं कि जो इन लोगों का गौरी तृतीया का दिन होता है, गौरी तृतीया के दिन ही आपके शंकर जी और पार्वती जी की क्या हुआ था? विवाह हुआ था। तो वहां पर कहते हैं कि शंकर जी ने अपने विवाह के दौरान अपने उपहारों में, मतलब गिफ्ट में, उन्होंने बर्फ का सिंहासन मांगा था। तो ये इन लोगों की मान्यता है कि शिव पार्वती का जो विवाह हुआ था, वो शिव पार्वती का विवाह गौरी तृतीया के दिन हुआ था, ठीक है। गौरी तृतीया एक इन लोग का मतलब एक समय सीमा, एक समय है जिसको बोलते हैं लोग गौरी तृतीया। तो गौरी तृतीया के दिन इनका विवाह हुआ था, तो इस प्रकार की मान्यता ये लोग रखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, त्योहारों के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे कि कंचोत त्योहार हो गया, कौन से स्टेट का है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का। किस घाटी के क्षेत्र का है? चिनाब घाटी। मान्यता शिव पार्वती जी का विवाह। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम लोगों ने व्यवहार किया अपने फेस्टिवल की बात की ही है, तो ध्यान रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जैसे एक फेस्टिवल है चापचार कुट। तो सभी लोग यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि चापचार कुट फेस्टिवल कहां मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद एक मांडू फेस्टिवल, जो मैंने आपको कल ही बताया था, मांडू फेस्टिवल कहां मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? अभी मार्च के महीने में एक एलिफेंट फेस्टिवल आने वाला है दोस्तों, ये किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे गुड़ी पर्व की बात करेंगे दोस्तों, तो गुड़ी पर्व कहां मनाया जाता है या गुड़ी फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, ये भी मार्च में होता है दोस्तों। उसके बाद इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल भी मार्च के महीने में ही होता है। और फिर आपका आता है एलोरा फेस्टिवल, जिसको आप अजंता एलोरा बोलते हैं, तो एलोरा फेस्टिवल कहां होता है और कब होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चापचार कुट ध्यान रखिएगा, ये मार्च के महीने में मिजोरम में होता है, ठीक है। ये मैंने कल भी आपको बताया था, मिजोरम में आयोजित किया जाता है दोस्तों ये त्योहार, ठीक है। उसके बाद मांडू त्योहार अभी हाल ही में फरवरी में हुआ है, मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ है। एलिफेंट फेस्टिवल जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा मार्च के महीने में ये जयपुर में आयोजित होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गुड़ी पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल हर साल मार्च के महीने में ही सिक्किम में आयोजित होता है। ये वही सिक्किम है दोस्तों, जहां पर रेड पांडा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, और इसी सिक्किम में लेपचा नाम की जनजाति रहती है। और एलोरा फेस्टिवल दोस्तों ध्यान रखिएगा, अजंता एलोरा जो औरंगाबाद में स्थित है, वो महाराष्ट्र में। तो ये तो पहले से ही क्लियर हो गया कि एलोरा फेस्टिवल जो औरंगाबाद क्षेत्र में महाराष्ट्र में आयोजित होता है, ये सारे के सारे आने वाले समय यानी कि मार्च के महीने में हम लोग इसको पढ़ेंगे, जो कि ये अलग अलग जगह पर मनाए जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में आपके यहां से ही आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने चेरिश 2021 फंड रेजिंग अभियान शुरू किया है? तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार का पहला ही ऐसा कोई अभियान शुरू हुआ है जो किसी आईआईटी ने शुरू किया है, आईआईटी बंबई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईआईटी बंबई की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आईआईटी बंबई जो कि भारत की सबसे पुरानी आईआईटीज में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया था, इन्होंने एक चेरिश 2021 एक अभियान शुरू किया दोस्तों। ये फंड रेजिंग अभियान है, जो कि आपको अगर लग रहा होगा कि कोविड के लिए शुरू हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी बंबई के स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि फंड रेजिंग हो
उस फंड के माध्यम से हम अत्याधुनिक अपनी लैबोरेटरीज बनाएंगे, लैबोरेटरीज के साथ साथ हम अपने लेक्चर हॉल्स को मॉडर्नाइज करेंगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है या ये जो फंड रेजिंग हो रही है ये आम व्यक्ति भी कर सकता है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां भी कर रही हैं जिसमें उन्होंने इस अभियान में पैसे भी दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चेरिश 2021 ये एक अभियान है जो कि फंड रेजिंग के रूप में है, इसको आईआईटी बॉम्बे ने शुरू किया है। अब जब ये फंड रेजिंग होगी तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स प्लस जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, उन लोगों द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा इसमें क्या हुआ है, इसमें अनुदान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब जब ये अनुदान मिल जाएगा तो इस अनुदान से हमारी आईआईटी बंबई करेगी क्या, आईआईटी बंबई इसमें करेंगे क्या, वो करेंगे कि ये इस पहले अनुदान संचयन जो सिस्टम है इसका उपयोग ये वर्ल्ड लेवल की लैबोरेटरीज बनाने में करेंगे। तो वर्ल्ड लेवल की लैबोरेटरीज बनेंगी और लेक्चर हॉल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अनुदान आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारी आईटी बंबई या आईटी सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन मिल सके ज्यादा, जिससे वो ज्यादा ज्यादा अच्छे काम और रिसर्च कर सके, ठीक है। हाल ही में देख रहे हैं कोविड-19 के नुकसान तो बहुत सारे थे, लेकिन कोविड-19 के समय में बहुत सारे ऐसे रिसर्च इस देश में हुए हैं जिन रिसर्चों को कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि हमारे देश में इस प्रकार के रिसर्च भी कभी होंगे। तो जैसे डीआरडीओ ने बहुत बढ़ चढ़ के अभी हिस्सा लिया है। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, डिजिटल सिस्टम बहुत बूम पर आ गया है 2020 में, कोविड-19 के समय में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी साल 2020 में बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आपका चेरिश 2021 फंड रेजिंग अभियान है जो आईआईटी बंबई ने स्टार्ट किया, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बन जाते हैं, जैसे कि यहां पर क्या बनेगा, ये अभियान हो गया इनका। अब यहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो पैसे दे रहे हैं अभियान में, आपका फंडिंग कर रहे हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं CSR। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं दोस्तों उसको, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये क्या होता है, हर पब्लिक सेक्टर कंपनी को, हर कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी को अपनी टोटल वार्षिक आमदनी का कुछ निश्चित प्रतिशत जो पैसा है वो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है, ठीक है। ये दोस्तों जब हमारा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जब भारत में जब इंडस्ट्री एक्ट बनाए गए थे, तो 1956 में जब इंडस्ट्रियल एक्ट बने उसमें यह नियम दिया गया था कि हर कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी को अपनी वार्षिक आमदनी का कुछ प्रतिशत जो निश्चित किया जाएगा वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत व्यय करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके तहत ये लोग पैसा कहां में दे रहे हैं, अभियान में दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लेकिन इससे कोई भी ऐसा मतलब नहीं बनता कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने अगर क्या दिया है दोस्तों, अनुदान दिया है, तो उसको कोई टैक्स रिलीफ नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका अनुदान है ये टैक्सेबल होगा, ठीक है, इसमें भी सरकार क्या काटेगी, टैक्स काटेगी। तो चेरिश में जितना फंड आएगा अगर वो टैक्स के क्षेत्र में आता है, यानी कि आपका इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स आयकर जो टैक्स के एक्ट है आपके, उस एक्ट के तहत दोस्तों आपका 80G इनका एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत यहां पर इसको टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये आईटी बंबई की बात हो गई दोस्तों। अगर हम लोग बात करें आईटीज की, तो ध्यान रखिएगा भारत में आईटीज में पहली आईआईटी जो बनी थी, फर्स्ट आईटी भारत की कौन सी है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। ध्यान रखिएगा, रुड़की भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासन में भारत में स्थापित हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आईटी की अगर बात करते हैं, तो आईटी के लिए जो हमारी संसद में अभियान बने थे, संसद में जो विधेयक आए थे, 1951 से इनको शुरू किया गया था, और भारत में अभी वर्तमान समय में भारत में कुल 16 आईटीज में जो कार्यरत है, 16 आईटीज भारत में काम कर रही है, तो 16 आईटीज भारत में इस समय कार्यरत है। ये 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी की मदद से शुरुआत में स्टार्ट की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे आईआईएम की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ध्यान रखिएगा भारत में कुल आईआईएम कितने हैं दोस्तों, 20 है, ठीक है, जिनमें भी हाल ही में भुवनेश्वर में आपका उड़ीसा में नए आपके आईटी बनाए आईआईएम बनाए गए थे, ठीक है, सभी लोगों का क्लियर है। तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए, ये चीजें एग्जाम में आ जाया करती है, सॉरी
16 ही आपका 13 ITs है, ठीक है, कितनी ITs है, 13 ITs भारत में कार्यरत है, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं, चलिए इस चीजों को ध्यान रखा करिए, ये चीजें एग्जाम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जितना भी मैं ये रिटन पार्ट इसमें देता हूं यही हम लोग सेव करके आपको पीडीएफ के फॉर्म में देते हैं, तो और बाकी थ्योरी तो आपको मिलती मिलती है, तो आप लोग इसको एज इट इज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कैंट बोर्ड को ऑनलाइन लोक सेवाओं के लिए एक ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी क्या किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक ई पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है क्या, इसका नाम है ई कैंटोनमेंट। अब दोस्तों अगर कैंटोनमेंट की बात करेंगे तो भारत में टोटल जो कैंटोनमेंट है, जो छावनी क्षेत्र है, भारत में कुल छावनी क्षेत्र है 62 छावनियां हमारे पूरे देश में स्थित है, ठीक है। इन 62 छावनियों में लगभग 20 लाख से ज्यादा नागरिक हमारे निवास करते हैं, जिनको की जो कि सेना के क्षेत्र से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो सेना के क्षेत्र से रिलेटेड ये जो 20 लाख लोग हैं, इनके लिए भारत सरकार ने एक नई पहल योजना शुरू करी है, जो कि एक ई कैंटोनमेंट नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, और इसी प्रकार एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए लॉन्च किया जाएगा जो कि केवल छावनियों के लिए होगा। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ये जो भारत की 62 छावनियों के 20 लाख लोग हैं, ये लोग घर बैठे ही नगर पालिका की जितनी भी सुविधाएं हैं ये घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है ये उद्देश्य क्या है, इसको दोस्तों बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग, ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग। तो ध्यान रखिएगा ये इस पहल पर शुरू किया गया है, ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन में जीने की आसानी और काम करने की आसानी को भी क्या बोला जा रहा है, इस योजना का उद्देश्य बोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके तहत करना क्या होगा, एप्लीकेशन के माध्यम से ये 20 लाख लोग जो 62 छावनियों के हैं ये घर बैठे ही सारे सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लोग घर बैठे नगर पालिका की जितनी भी सुविधाएं हैं नगर पालिका की सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे मैं अभी हाल ही में अभी 2 मिनट पहले मैं आपको बोल रहा था, भारत में 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्टल्स और एप्लीकेशंस लॉन्च हुए, पहली बार लोगों को पता चला है इस बार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, यही लोगों को नहीं पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों क्या है, एक ऐसा मशीनरी सिस्टम जिस सिस्टम को इंसान जैसा सोचने का मौका मिलता है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम आपका डिजिटल सिस्टम जो मनुष्य की तरह सोच के काम कर सकता है उसको सिस्टम को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसके नुकसान भी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इसके नुकसान नहीं है, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल और एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है ई कैंटोनमेंट, जो 62 छावनियों के लिए है और लोगों को घर बैठे नगर पालिका की सुविधाएं प्रदान करेगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं कि इस पोर्टल को बनाया किसने है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस पोर्टल को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है, इसके साथ साथ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने बनाया है, इसके साथ साथ डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट ने बनाया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर बात की जाएगी तो ये कब स्थापित हुई थी, ये 1954 में स्थापित हुई थी। एनआईसी की बात करेंगे दोस्तों तो ये 1974 में स्थापित हुई थी, 1976 में स्थापित हुई थी। अगर दोस्तों डीजीडीई की बात करेंगे, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट की अगर बात करेंगे तो ये ब्रिटिश शासन में स्थापित की गई थी 1926 में, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है। दोस्तों अगर बीईएल की बात करेंगे, कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ भी रहे थे कि हमारी जो डीआरडीओ है जिसको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, ये बीईएल उनके लिए भी काम करते हैं, यानी डीआरडीओ के लिए एरोस्पेस इंजन वगैरह ये लोग बनाते हैं, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये कहां पर है दोस्तों, ये बेंगलुरु में स्थित है इनका हेडक्वार्टर। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की बात करेंगे दोस्तों तो ये हमारा दिल्ली में स्थापित है, सभी का क्लियर है। और ये जो डीजीडीई है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमारी इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के अधीन काम करते हैं, तो ये खुद ही उनके मुख्यालय के रूप में काम करते हैं, ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है। सभी लोग ध्यान रखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इस समय चीफ कौन है,
तो आपके एमवी गौतमा जी इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चीफ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका एनआईसी आता है, तो एनआईसी के चीफ डायरेक्टर कौन है, नीता वर्मा जी, एनआईसी की क्या है, डायरेक्टर है नीता वर्मा, तो एन से एनआईसी और एन से नीता वर्मा हो जाएगा, तो नीता वर्मा इसकी डायरेक्टर के रूप में है। सभी का क्लियर है कि नहीं, तो इस पोर्टल को इन्हीं लोगों ने बनाया है, ठीक है दोस्तों, सभी का क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और देखिए इसी फॉर्मेट में मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं ताकि मैं उसी चीज को सेव करके आपके लिए डाल सकूं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, हाल ही में यूरोपियन संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर आगे निकल गया। दोस्तों आपको मैं ये बात बता दूं, यहां पहली बात तो आप यूके कर लीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम कर लीजिएगा, ठीक है। तो यूरोपियन संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश अमेरिका को पछाड़ के पीछे निकल गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस बात का शक था वही हुआ। 2020 में जहां एक ओर कोविड फैल रहा था, वही दूसरी ओर दोस्तों क्या हो रहा था, चाइना अपने व्यापार को तेजी से बढ़ा रहा था, और इस व्यापार को बढ़ाने में मजबूरी थी किसकी, यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार के ऐसे साधन नहीं थे जिससे अपना यूरोप के 27 देशों को ये चला सके। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में टोटल देशों की संख्या है 27 देश आते हैं, पहले इसमें 28 आते थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में ब्रिटेन इससे बाहर हो गया था, ठीक है, तो ब्रिटेन इससे सबसे नया देश है जो ब्रिटेन इस संगठन से खुद ही क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है, तो हमेशा 27 देश है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यूरोपियन यूनियन है इसकी जो हम बात कर रहे थे, अभी तक जो इसका सबसे ज्यादा व्यापार होता था वो अमेरिका से होता था, और कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं इस यूरोपियन यूनियन को बनाने के पीछे अमेरिका का ही हाथ है, वो हम पढ़ेंगे कैसे है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जानिए कि अमेरिका अब इसका सेकंड नंबर का साझेदार हो गया है, ठीक है, पार्टनरशिप, और इसका फर्स्ट पार्टनर बन गया है कौन, चाइना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ब्रिटेन को भी हम यहां जोड़ लें तो तीसरा सबसे बड़ा साझेदार जो है वो कौन है, ब्रिटेन था यूरोपियन यूनियन का। लेकिन अब अगर दोस्तों देखा जाए तो पहले नंबर का कौन हो गया, चाइना हो गया है। तो यहां पर दोस्तों अगर हम चाइना की बात करेंगे तो इस समय अगर देखा जाए तो चाइना का जो टोटल व्यापार है, जो टोटल साझेदारी है आपकी यूरोपियन यूनियन से, वो है 586 बिलियन यूरो, 586 बिलियन यूरो का व्यापार आपका चाइना ने 2020 में किया है यूरोपियन यूनियन से। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यूएसए की, तो यूएसए ने केवल 555 बिलियन यूरो का व्यापार किया है 2020 में। ब्रिटेन चूंकि बाहर तो हो गया है, लेकिन ब्रिटेन ने भी 444 बिलियन यूरो का व्यापार किया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से आप लोग, यहां पर क्या है, अभी तक अमेरिका सबसे आगे होता था, अब आपका चाइना व्यापार में आगे है, किससे, यूरोपियन यूनियन से। दोस्तों भले ही कहते हैं कि कोविड की बीमारी चाइना के वुहान सिटी से फैली, लेकिन उसका फायदा भी चाइना को ही हुआ। कैसे हुआ, उसके पीछे एक तरीका है। चाइना ने पहले वुहान सिटी में अपने कोविड को फैलाया और इस तरीके से पूरी दुनिया से डर गई। चाइना इस चीज को कंट्रोल कर चुका था जब ये चीज फैली थी, ये बात सत्य है। जैसे अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 8 मेंबर्स की कमेटी जब वुहान सिटी गई, तो चाइना की गवर्नमेंट ने कहा कि हम लैबोरेटरीज में टेस्ट कर रहे थे, ये जो वायरस क्रिएट हुआ है ये लैबोरेटरी टेस्ट से क्रिएट हुआ। लेकिन WHO ने इस बात को खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं है, ये इंसान द्वारा ऐसे जीवों को खाने से फैला है जिस जीवों से इस प्रकार का वायरस फैला है। लेकिन फिर भी चाइना मानने को तैयार नहीं है। खैर, जिस समय दोस्तों कोविड का बवाल चल रहा था, उस समय यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश है, जिसमें इटली भी आता है, इटली जैसे देश को बड़ा नुकसान हुआ, और आपने देखा भी होगा इटली के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने अपना पद त्याग भी कर दिया है, अभी वहां के नए राष्ट्राध्यक्ष बने। तो इटली जैसे देशों को बड़ी दिक्कत हुई, तो इन लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों उसी समय चोरी छिपे चाइना से क्या किया है, व्यापार किया है, जिसका रिजल्ट यह आया है कि यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े साझेदारों में कौन आ गया है, चाइना। ये चाइना की दोस्तों क्या है, एक पहल है, एक चाल है जो वो अपने दबदबे को बढ़ाना चाहता है और इनको खत्म करना चाहता है, अमेरिका को, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर इस मसले में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस मसले में जो बाइडेन अभी नए आए हैं तो अभी इतना कारगर नहीं है, लेकिन इस मसले में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े दुश्मन थे, किसके, चाइना के, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन की बात तो हमने कर ली दोस्तों, कि यहां पर सबसे ज्यादा व्यापार में आगे बढ़ गया है कौन, चाइना बढ़ गया है, ठीक है। इस प्रकार का डाटा कौन देता है, तो ध्यान रखिएगा यूरोपियन यूनियन का अपना खुद ही एक डाटा कंपनी, एक डाटा अथॉरिटी है जिसका नाम ही है यूरोस्टेट डाटा। तो ध्यान रखिएगा यूरोस्टेट डाटा की ही जो रिपोर्ट है, जो यूरोस्टेट डाटा जो है उसी में ये चीजें बोली गई हैं कि चाइना हमसे आगे आ गया है और अमेरिका हमसे पीछे हो गया, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
दूसरा यहां पर आपको देखिए, आपको चाइना यूके लिखा भी हुआ है, तो मैंने आपको पहले बता दिया। रशिया का बहुत बड़ा दुश्मन है ये, वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वैसे तो यूरोपियन यूनियन 1951 में पेरिस की संधि के माध्यम से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के रूप में ये सामने दिख गया था, लेकिन तब इसमें देशों की संख्या बहुत कम थी, ये इसमें केवल इनर सिक्स केवल 6 देश थे। धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन की संख्या बढ़ी है और प्रत्यक्ष रूप से जब ये सामने आया था तो 1993 में जो मास्ट्रिच्ट ट्रीटी हुई थी, मास्ट्रिच्ट एक शहर का नाम है, मास्ट्रिच्ट ट्रीटी के बाद इसका अस्तित्व सामने आया किसके रूप में, यूरोपियन यूनियन के रूप में। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे इसके देशों की संख्या बढ़ती गई है। अब ये यूरोपियन यूनियन के साथ ही एक संगठन काम करता है जिसका नाम है नाटो, मैंने आपको पहले भी बताया था। नाटो क्या है दोस्तों, नाटो को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1949 में हुआ था। इस नाटो में दोस्तों 30 देश हैं और इन 30 देशों में ध्यान रखिएगा 28 देश केवल यूरोप के हैं जो कि आपके यूरोपियन यूनियन के हैं, और 2 देश जो है वो आपके यूएसए और इसमें आपका कैनेडा भी आता है जो कि नॉर्थ अमेरिका के हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये वही यूरोपियन दोस्तों यूनियन है दोस्तों जिसकी करेंसी, जिसके 10 देश करेंसी चलाते हैं दोस्तों, कौन सी, यूरो करेंसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों के बारे में, ये सब चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। दोस्तों अगर यूरोपियन यूनियन को बनाया गया तो आपको मैं बता दूं इसको अमेरिका ने ही बनवाया था धीरे धीरे, और यूरोपियन यूनियन बना कैसे था, इस संगठन को तोड़ के बना था जिसका नाम था यूएसएसआर। 1917 या 1922 से लेकर 1991 तक ये संगठन चला है जिसमें यूरोप और एशिया के 15 देश शामिल थे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बोला जाता था, जो कि रशिया की अध्यक्षता में था, लेकिन बाद में रशिया की अध्यक्षता को तोड़वाया गया और रशिया जब मजबूर हो गया तो रशिया ने यह संगठन तोड़ दिया 1991 में। यह संगठन टूटा और संगठन के मैक्सिमम देश आकर किसमें शामिल हो गए, यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए। तो यह बना है उसको तोड़ के, और तोड़वाया किसने था, अमेरिका ने। आज अमेरिका को तोड़ रहा है कौन, चाइना। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, काफी चीजें मैंने आपको बता दी जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम में ये सारी चीजें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी हासिल की है, उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर मैंने 3 पनडुब्बियों के नाम लिखे हैं। आंसर तो आपका क्या है, आंसर है आपका INS करंज। क्या है आंसर, INS करंज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम INS करंज की बात करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, आपका एक इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है प्रोजेक्ट P-45। ठीक है, प्रोजेक्ट P-45 एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। इस प्रोजेक्ट P-45 को, सॉरी प्रोजेक्ट P-45 नहीं था, प्रोजेक्ट P-75 था। प्रोजेक्ट P-75 जो चला था, इस प्रोजेक्ट को चलाया था मजगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, शिप बिल्डर्स ये एक कंपनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा ही क्या किया गया था, इस कंपनी के द्वारा ही भारतीय नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए शिप बिल्डिंग के काम किए जाते हैं, यानी कि आपके नौसैनिक यान बनाए जाते हैं। ठीक है, ये मजगांव शिप बिल्डर्स कहां पर है दोस्तों, ये आपके महाराष्ट्र में है, क्योंकि मजगांव जो जगह ही है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मजगांव की हम लोग बात करें तो 1934 में मजगांव आपकी डॉकयार्ड शिप लिमिटेड की स्थापना की गई थी, और नारायण प्रसाद, इस समय नारायण प्रसाद इसके क्या है, चीफ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट P-75 के तहत इस मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी देने का सौदा किया था हमारी इंडियन नेवी को। ठीक है, तो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन जो है वो देने का जो वादा हुआ है, उनमें से ध्यान रखिएगा अभी एक साल के भीतर, मतलब 2019 से लेकर अभी तक के भीतर, यहां पर 3 पनडुब्बियां मिली हैं, जिनमें से अभी हाल ही में INS करंज को इंडियन नेवी में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो INS करंज अभी हाल ही में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रूप में शामिल हुई है। दोस्तों अगर INS की बात करें तो INS क्या होता है, इंडियन नेवल शिप, इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो 6 में से 3 पनडुब्बियां मिल चुकी हैं। अब जो 2 अन्य है, तो ध्यान रखिएगा, एक कलवरी है और एक खंडेरी है। तो यही वो 3 पनडुब्बियां हैं जो हमारी इंडियन नेवी को अभी प्रोजेक्ट 75 के तहत, P-75 के तहत मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स द्वारा प्रदान की गई है। और ये कंपनी आपकी कब बनाई गई थी, 1934 में बनाई गई थी। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपके क्लियर। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? तो जो छह हैं उनमें से तीन ही बनी है, तीन आपकी ये सामने लिखी हुई है, एक INS कलवरी है, एक INS खंडेरी है और एक INS करंज है। क्लियर हो गया दोस्तों? सभी का क्लियर है कि नहीं है? तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और क्लास को शेयर भी करेंगे। क्लास को शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतने ही अच्छे से हम आपको आगे भी बढ़ा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में भारत पाक युद्ध के किस सेवानिवृत्त मेजर जनरल का अभी अभी क्या हुआ है, आपका निधन हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय अभी जो आपका 15 तारीख को 15 फरवरी 2021 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपके मेजर जनरल के पद पर रहे बसंत कुमार आपके महापात्रा जी जो है वो अभी सेवानिवृत्त मेजर जनरल जो थे, ये अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है दोस्तों, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये जो आपके बसंत कुमार महापात्रा जी हैं, ध्यान रखिएगा, ये 1962 के चाइनीज वॉर, 1965 का पाकिस्तान वॉर जिसमें आपका ताशकंद समझौता हुआ था, 1971 बांग्लादेश वॉर, इन तीनों ही वॉर में ये क्या रहे हैं, शामिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कभी अपने जमाने में अपने अपने कार्यकाल के दौरान या अपनी सेवा के दौरान टैंक मैन के रूप में इनको जाना जाता था, ये टैंक मैन के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। और 1962-65-71 के वॉर में जहां शिमला का समझौता भी हुआ था उस वॉर में ये शामिल रहे, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेना में जो मेडल्स मिलते हैं जिनमें एक सेवा मेडल, एक अति विशिष्ट सेवा मेडल और एक आपका परम विशिष्ट सेवा मेडल जो मिलते हैं, ध्यान रखिएगा ये अति विशिष्ट सेवा मेडल से सुसज्जित किए जा चुके हैं, ठीक है। तो ABSM इनके नाम के आगे इसीलिए लगाया जाता था क्योंकि ये अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और ये कहां पर नियुक्त थे, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी आर्म्ड कॉर्प्स जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये NDA के ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आर्म्ड कॉर्प्स में ये क्या थे, नियुक्त थे, जो कि NDA के स्टूडेंट रहे, NDA से इन्होंने एंट्री ली थी और बाद में मेजर जनरल बने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्नल के बाद की जितनी भी रैंक के अधिकारी होते हैं वो NDA से ही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि जो CDS से सिलेक्ट होते हैं दोस्तों वो मैक्सिमम मेजर या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंच पाते हैं, बाकी वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। सभी का क्लियर है कि नहीं है? और इन्हीं को किसके रूप में जाना जाता था दोस्तों, टैंक मैन के रूप में भारत में प्रसिद्ध होने वाले ये मेजर जनरल साहब अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है जो अभी मैंने आपको स्कॉर्पियन पनडुब्बी के बारे में बताया था, ये वही क्वेश्चन है। तो स्लाइड दूसरी लग गई है और ये आपके टोटल हो गए आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन आज के, और ध्यान रखिएगा दोस्तों अब रोज आपकी क्लास सुबह 9 बजे, सुबह 7 बजे ही लगेगी। तो 7 बजे सुबह क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, 7 बजे उठिए, सुबह उठ के अपनी क्लास तैयार कीजिए और फिर आप अपना पूरा दिन अच्छे से बनाइए। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए ताकि आप लोग अच्छे से लिख लें। क्लास को और छोटा हम करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए करंट अफेयर्स 2 क्लासेस में लेकर आए जिससे आपका फायदा हो, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, कल फिर सुबह 7 बजे हम लोग मिलते हैं एवरीडे @7 AM विद मी शशांक तिवारी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।